कैंपस में सर मीडिया प्रोडक्शन की फैकल्टी बनाना चाह रहे हैं, वेरियस एकेडमिक प्रोग्राम्स यहाँ पे शामिल करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए एक थॉट शेयरिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग का है कि कैसे उन प्रोग्रामिंग की जो प्रोग्राम्स की स्कीम ऑफ स्टडीज है और जो करिकुलम है उसकी डिजाइनिंग की जाए और डेवलप किए जाए वो प्रोग्राम। तो इसलिए दोस्तों को जहमत दी कि ऑन बोर्ड हों और मिलके हम एक ये एफर्ट करें टू डिज़ाइन अ न्यू ऑल टुगेदर अ न्यू प्रोग्राम की जो आज की नीड्स को एड्रेस करे, जो ग्रेजुएट निकले उसका डिस्कनेक्ट ना हो इंडस्ट्री के साथ टेक्नोलॉजी के साथ। और तो ये सर पर्पस है आज की मीटिंग। तो नकी सर सो फार जो उसके ज़रा अब उसमें इतने सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन मैं यह दिलचस्प लफ्ज़ बताऊं क्योंकि बुक रीडिंग का बहुत जिक्र हो रहा है। अभी पता चला कि जैपनीज लैंग्वेज में एक लफ्ज़ है हज़ार साल से, बड़ा इंटरेस्टिंग तो सुडोको लफ्ज़ है, जिसके माने है एक ऐसा आदमी जो किताबें फाइल करता पढ़ता है। इसकी मैंने कन्फर्मेशन की एक जैपनीज से, तो उसने कहा एक ऐसा लफ्ज़ है। उसके साथ जो उसने एडिशनल नॉलेज दी कि जापान के यूनिवर्सिटीज़ में जब टीचर रखे जाते उन पे लाजिम टीचर के 1500 किताबें खरीद कर पढ़ें तब वो टीचर हो। और हम किताब से जितना दूर है अब तो किताब कहना फिर जुल्म होगा। कहते हैं कि अदीब उसे माना जाता है जो कि किताबों का वालिद हो जाए। तो इनके बहुत सारे बच्चे हैं किताबों की शक्ल में। तो मैं एक नावल लिख रहा हूँ तो मैंने रश सर तहकीक करना शुरू की कि नावल बिकेगा कैसे मार्केट के अंदर। इस वक्त तीन बड़े राइटर्स हैं जो 60 से 70 लाख रुपए सिर्फ अपनी किताब जब रिलीज होती है वो कमा लेते हैं। उस पे निमर अहमद पहले नंबर पे, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, उमर अहमद दूसरे नंबर पे और बाबा यहिया तीसरे नंबर पर है। निमर अहमद ऑनलाइन उनके 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वो जब किताब रिलीज करती हैं तो 50% पब्लिशर से पैसे, मतलब 20 लाख की किताब बेची वो छपी और उसको कहा कि यही किताब अगर इसका 1200 रेट है तो 700 रुपए के हिसाब से मुझे वापस कर दो, तो वो 20 लाख रुपए में खरीद ली। उसको 1500 रुपए पे अपने साइन के साथ ऑनलाइन डिलीवरी भी चार्जेस उनके हैं वो बेचा। और जब वो सेशन करती वो सामने नहीं आती किसी के, तो 5000 रुपए फीस होती है किसी में उनका हुआ तो वहां पे टिकटें खत्म हो गई। हमने भी सोचा सुने जाके कि 5000 रुपए में क्या सुनाएंगे। अभी उसने 3 किताबें लिखी हैं क्योंकि इंडिया में उसको बहुत चढ़ा दी। वो मैं भी उसका फैन हूँ सर, बहुत अल्केमिस्ट के बाद भी अभी उसकी एडिटरी भी आई है और चीजें। उसने पहले दिन अपनी ऑनलाइन 3 किताबें डाल दी पब्लिशर से पहले। सर हमारे सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ डाउनलोडिंग हुई जो उसने अपने इंस्टा के पेज पे दिखाई। और परसेप्शन ये है हम नहीं ऐसा पढ़ते। फिर उसके बाद ऑडियो बुक्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि आप सुन सकते हैं और आप अगर किसी बच्चे से जिसको थोड़ा शौक है उससे जरूर सुनेंगे कि ये भी है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो लोग हैं, शायद यंगस्टर में उसकी कमी है। मैं इंग्लैंड में था मैनचेस्टर, मेरे एक शॉप पे मैं एकदम चौंका, वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, मैं उसमें चला गया। नीचे गया तो वो बेसमेंट और ऊपर फ्लोर पे कैसे भाई सारा, मैं कहा यहाँ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज कौन सी नॉलेज की किताब, जी मजहब इस्लाम के अंदर, वेरी गुड। तो मैं अंदर गया तो अंग्रेजी में, मिस्री और पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे एक्साइटमेंट हुई। मैंने कहा मैं आपको पता है कि मैं उस मुल्क से आया हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा मजहबी किताबें छपती हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बुक्स मजहबी छपती। अब वो भी कोई पढ़ते ही होगा, ये चलती भी हैं, बिकती भी उनकी मार्केट भी हो, तो पाकिस्तान का सेक्शन कहाँ है वो कहा। नहीं, पाकिस्तान की कोई किताब नहीं है, नहीं है एक किताब। अच्छा, मुल्क किताबें जाप जाप के मर गए, आपने एक किताब भी नहीं रखी। उसने कहा बात यह कि वहाँ हम किताबें मुस्तैद लेते हैं, वहाँ की किसी किताब का हमारे पास वो नहीं है, ये तस्दीक शुदा है, मैटर क्या है, कहाँ से उठाया गया, कैसे रेफरेंस नहीं।
मैं आ गया टाउन की लाइब्रेरी में, मैं गया टाउन मैनचेस्टर में मेरा था, तो मेरी किताब वहाँ पे थी और मैं ऐसा सीना चौड़ा हो गया मुझे, ठीक है ना, और मैंने बीवी के सामने बड़ा सरफुल हो गया कि तू समिति में बेकार काम कर रहा है, क्या किताब पढ़ेगी, ठीक है ना। वैसे तो तावीज लिखने वाला ज्यादा कमाता है राइटर तुम्हारे, ठीक है, लेकिन वो वहाँ थी। मैंने फिर उनसे पूछा कि ये किताब आपके हाथ कहाँ लगी, मैनचेस्टर की छोटी लाइब्रेरी, ये भी नहीं कि बहुत बड़ी, मैंने कहा जितनी किताबें छपती हैं वहाँ पर लिटरेचर की वो हम लोग मंगवाते हैं, हमारा सेक्शन है, नंबर है, ये बना है, तो वहाँ किताब। बात ये है कि किताब पब्लिशर और राइटर के दरम्यान में भी एक ऐसा ओला है, ठीक है ना, कि वो छापता रहता है मेरी किताबें, मतलब उसने दसियों दफा छापी, ठीक है, लेकिन वो मुझे बताएगा भाई जान ये आपकी लिखी थी, ठीक है, और ये आपका चक्कर था, इसके बाद 300 जी जी इंटेलेक्चुअल राइट्स का तो बहुत बड़ा इशू है ना हमारे यहाँ ये है। मैं एक ऐसे ही लास्ट बात कर जाऊँ कि ये जो लिटरेचर के हवाले से बात हो रही है, जो हमारे यहाँ यहाँ पे एक जंग रही कई साल, तो सर मसले की जो एक दूसरे के खिलाफ किताबें लिखी गई, तो ये जो एक एपीसी हुई थी जिसमें तमाम ने कहा कि लॉज आने चाहिए और तब्दील होने चाहिए, तो पता चला कि 2.5 लाख लिटरेचर बुक्स जो ऐसी हैं जो कि हेट्रेड में आती हैं एक दूसरे के मसले के खिलाफ है, वो तल्फ की गई, लेकिन अभी भी 2.25 लाख किताबें मौजूद हैं। कभी आप उस जगह की वीडियो मंगवाएं जहां हमारा उर्दू कुतुब मेले लगते हैं, हर कराची में भी लगता है, यहाँ भी लगता है, 6,000 में एक स्टॉल मिलता है, 4 स्टॉल पे सिर्फ रीडिंग्स का सबसे बड़ा स्टॉल होता है। अगर वहां पे 100 स्टॉल है तो उन 100 स्टॉल्स में 60 स्टॉल जो है वो मजहबी डिफरेंट फिरकों की किताबों के होते हैं जो लेते हैं, और ये हर साल होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, लाहौर में भी होता है हमारे एक्सपो सेंटर के अंदर, और कराची में भी होता है एक्सपो सेंटर के अंदर, और ये बहुत बड़ा मेला होता है किताबों का। तो आपका 60% ऑक्यूपेशन जो स्टॉल में है इन्हीं मजहबी उलमा, जिसमें गांधी साहब का भी एक स्टॉल होता है और भी उलमा का होता है, मदूदी साहब की किताबें भी होती हैं, जमात इस्लामी की भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो फिरका परस्ती और सारी चीज़ें उसकी भी किताबें होती हैं, वो कौन पढ़ता है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर जो लोग हैं वो किसी को सपोर्ट नहीं करते, आप किसी चैनल को उठा के देख लें, पर्पस के लिए चैनल बना था, उस पर्पस को गोल को सेट करने के बाद उस डायरेक्शन में वो चल रहे हैं, तो उनकी टीम उस तरीके से उस चीज को लेकर चल रही है। जवाब ही किसी के पास नहीं है, क्योंकि जियो कर रहा था तो एयरवाई ने शुरू कर दिया, एयरवाई कर रहा था जिसके पास ब्लैक मनी आई है उसने व्हाइट मनी करनी थी, उसने चैनल बना रहे, उसे नहीं पता कि पैसा की फिजिबिलिटी कैसे बननी है, पैसा कैसे लगाना है, किस तरह के हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं, किस तरह के लोग चाहिए, क्या हमने करना है सोसाइटी में हमारा, ये तो न्यूज़ चैनल में भी किसी के पास नहीं है कि फोकस के बड़ी दिलचस्प बात ये है कि न्यूज़ का कि हमारे यहां ये देखिए अली साहब मैं आपकी बात काट रहा हूं, हमारे न्यूज़ क्या होती है, साइकिल के नीचे कुत्ते का बच्चा आ गया, पहली हेडलाइन, ना प्राइम मिनिस्टर की ना किसी की ना, इतना उसने मिस्री शाह में उसको कत्ल कर दिया, फला ने ये कर दिया बच्चा या रेप केस, बाद में एक आएगी कि प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि तीसरे चौथे जनरेशन पे, और फिर आएगी कोई और कोई बात, मैं कहता हूँ हमारा न्यूज का क्या क्राइटेरिया है, कुछ भी नहीं, बस सनसनी सबसे बड़ी खबर है और सनसनी फैलाना ही सबसे बड़ी बात है। हम जो जिस तरह बात चल रही है, मुझे लगा कि हम लोगों ने एक मीडिया को ना ओवरऑल ले लिया है, इसकी लहजा से कैटेगरी है, फिल्म जो का मीडिया है वो डिफरेंट है, करंट अफेयर का डिफरेंट है, जो के बागी हैं। ये सही है। हम लोग ना कोशिश यही करते रहे हैं कि खुद ही करने जो करना है, किसी से क्या मतलब है, तो सबसे पहले जो माइंड सेट है ना सोसाइटी का वो ठीक करना जरूरी है कि ये सिस्टम किसी भी चीज को करना है तो सिस्टम लेके चले, और उसके जो इस वक्त मीडिया में जो लोग किंग्स बने हुए हैं उन्हें चाहिए कि वो इसमें सपोर्ट करें, इस चीजों को डेवलप करें, किसी को कभी नहीं हो सकता। देयर आर वेरियस अप्रोचेस, एक ये है कि आप गलत को रोकना और गलत कहना शुरू कर दें,
दूसरा ये है कि आप गलत को तो probably you are not have that capacity to stop या उसको तो correct चीजें लानी शुरू कर दें जो ठीक चीज़ है। अच्छा ये तो पता होना चाहिए ना कि गलत क्या है। ये पता होना चाहिए। लेकिन सर वो जब जब ठीक माइंडसेट के साथ ठीक टेक्निकल स्किल्स के साथ जब लोग आएंगे थोड़े से लोग आएंगे और वो जब अच्छी चीज़ ये अच्छी अप्रोच है अच्छी चीज़ जब पेश करेंगे उसका प्रपोर्शन सर्टनली बहुत कम होगा और जब मैं देखूंगा वो ये कि यार ये मैंने देखा था ये इस तरह का था घोड़े डालने की बात ये है तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मैं खुद ही बेहतर देखना शुरू करूँगा। सो व्हाटएवर अब देखिए जो आप कर सकते हैं वो तो करें व्हाटएवर गुडनेस यू कैन क्रिएट। एक शख्स की अब सोसाइटी का सेटअप या हमारे इस वर्ल्ड ग्लोबली पाकिस्तान में चीज़ें इतना सेटअप बन गया हुआ है कि सिंगल आदमी कुछ नहीं कर सकते आपको एक ग्रुप के साथ मूव कर सकते। तो मैं बात उसी सोसाइटी बात पे आ जाता हूँ कि हमारे यहाँ जो इंडिविजुअल है ना वो बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन जब वो टीम में काम करेंगे ना तो वो बिखर जाएंगे। कोई इधर से खींच रहा होगा कोई इधर से खींच रहा होगा। जो ये जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना वो बेसिकली टीम वर्क टीम वर्क के लिए ना हर किसी को कैमरा नहीं पकड़ाया जा सकता हर एक को डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। टीम वर्क भी एक थीम पे काम कर रही होता अपना। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ना हो कि उस टीम के मेंबर जो है वो किसी का मुंह इधर हो किसी का इधर हो थिंकिंग भी आपस में ना मिलती हो। आपका पर्पस क्या है हाँ पर्पस क्या है आपका मकसद क्या है बात करने का बेहतर प्रोफेशनल्स पैदा करने हैं या बेहतर पैसा कमाने वाले पैदा करने ऐसे ही। अब तो मीडिया में आता है वो सिर्फ इसलिए आता है कि बस पैसा क्रिएट करना ज्यादा पैसा। मैं पिछले 25 साल से शोबिज से हूं सर और तकरीबन पाकिस्तान का कोई ऐसा चैनल जिसमें एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैंने काम किया न्यूज करंट अफेयर एंटरटेनमेंट सीरियल की एज ए डायरेक्टर और एक्टर में बहुत कर रहा हूँ बेशुमार काम किया है। मैंने यहाँ बेसिकली मैं एक्टर हूँ लेकिन बाकी सारे काम मैंने किए हैं। मेरे पास यहाँ पे जिस चीज़ का फुकदान था मैंने देखा ख़ास तौर पे कि यहाँ पे डायरेक्शन के हवाले से अगर देखें तो कोई असिस्टेंट नहीं है किसी के पास किसी को कुछ पता नहीं है। डायरेक्टर्स हैं उनको भी कुछ पता नहीं है चंद एक डायरेक्टर्स हैं जिनको कुछ पता है कि हाँ ये काम कैसे करना है ठीक है। उसके अलावा NCA से मेरे पास बहुत से लड़के आए और इंटर्नशिप के लिए मैंने देखा कि वो चार चार साल पाँच पाँच साल वहाँ पे लगा के आते हैं लेकिन उनको बिल्कुल प्रैक्टिकल का तो पता ही नहीं। थ्योरी ठीक है वो पढ़ते होंगे लेकिन प्रैक्टिकल का बिल्कुल किसी को नहीं पता कि प्रैक्टिकल हमने करना क्या है। अगर डायरेक्शन है डायरेक्शन का मतलब क्या है बॉडी लैंग्वेज क्या होती है एक्सप्रेशंस क्या होते हैं डायलॉग डिलीवरी कैसे करवानी है सेट को कैसे अरेंज करना है कोई पता नहीं। चार चार साल लगा के आते हैं उसके बाद एप्लीकेशंस पे है तो सही नहीं करते हैं करते सब कुछ है लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको कुछ भी पता नहीं होता। एक सॉरी जब आप हमारे स्टूडेंट का एक रवैया है नॉर्मल इम्तहान पास कर ठीक है ना जब आप चले जाते हैं ना डिग्री का मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए हैं मुख्तलिफ उसके सर हमें स्टोरी लिखने हमने ये बना ऐसे भी आएंगे सर ये पैसे पकड़े ये बना दें हमने कोर्स के लिए जमा करा ठीक है दो तीन लड़कियां थी मैंने कहा देखें आप कहानी ड्रॉ करें लिखें मैं आपको गाइड करें तो खुद कल को रात को आपने जब जाना है इस डिग्री का फायदा उठाना है मास्टर की डिग्री मिल रही है सिर्फ एक फिल्म के ऊपर एक गाने के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर उसको मास्टर की डिग्री उठा के देते हैं जो कि उसने खुद नहीं बनाई हो नहीं बनाई ऐसे ही ना वो डॉक्टर है ना मैंने कुछ ज्यूरी नहीं है बताया। हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं उनको मैं असिस्टेंट डायरेक्टर देता हूँ अच्छा कैमरामैन दे देता हूँ अच्छा एडिटर दे देता हूँ वो जाके कैमरामैन अच्छे शॉट बना लेता है स्क्रिप्ट के ऊपर एडिटर एडिट कर देता है फिर वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा है ये बड़ा अच्छा है इवन कि मैंने यहाँ पे इनपुट कुछ नहीं है इवन कि मैंने यहाँ पे आर्टिस्ट के हवाले से अगर बात करूँ मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं इस लाइन में आया शुरू में तो यहाँ तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है तो मैंने सोचा कि सबसे पहले टूल्स जो उनसे हैं उसको सीखना चाहिए
ऐसे तो मैंने कंप्यूटर के अंदर अपनी एक मास्टरी की और एज ए एनिमेटर और एज ए मोशन ग्राफिक एक्सपर्ट अपने आप को किया। तो उस जमाने में ना मल्टीमीडिया नया नया आया था, तो मुझे बड़ा शौक था कि इसको लोगों को शुरू करवाया जाए। तो कुछ लेक्चर्स वगैरह मैंने मंगवाए। अब मैं उसी चीज़ पे ऊपर आता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो भी हैं, जैसे NCA ने भी शुरू करवाया हुआ है, बीकन BNU ने भी शुरू करवाया हुआ है, सब कुछ करवाया हुआ है, उसमें जो लोग इंडिविजुअल है ना, जो करना चाहते हैं, जिनके अंदर पैशन है, वो निकल जाते हैं। उस 100 में से 2 लोग होते हैं, 3 लोग होते हैं, वो अगर यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं भी होगा ना, वो तब भी कर लेंगे, शौक से कर लेंगे। सर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और ऐसे लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल करवा रहे हैं जिनका ना ड्रामे से कोई ताल्लुक है, बिल्कुल ना उनका शोबे से कोई ताल्लुक है, ना उनका राइटिंग से कोई ताल्लुक है, ठीक है ना, वो वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी बता रहे होते हैं, वो वहाँ पे डायरेक्शन भी बता रहे होते हैं, उनके क्रेडिट पे ना कोई ड्रामा है ना कोई चीज है। और नॉर्म्स चेंज हो गए हैं, पहले जब इंडस्ट्री थी या मीडिया था वो किसी और तरीके से समझा जाता था, अब टेक्नोलॉजी ने उसको इतना डिफरेंट कर दिया हुआ है कि उस तरह की चीजों को जो जगह नहीं थी, सीधी सी बात है, मैंने मॉडल टाउन में अनाउंस कर दी और वहाँ पे मैं, ये सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। अच्छा। जो एक्टिंग सीखते हैं मुझसे और डायरेक्शन सीखते हैं, और मैंने वहाँ पे बनाए रखी। उसके बाद फिर मैं 2 साल मैंने वहाँ पे चलाया। अच्छा। करण जौहर ने अपने, मेरे पास इंडिया से डायरेक्टर आई यहाँ पे मेरी एकेडमी में, मेरे पास अभी भी स्नैप्स पड़ी हैं, ठीक है ना। करण जौहर के प्रोग्राम में मेरा, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एक ऐसा एक्टर है जिसके बेचारे पास पैसे नहीं है, वो आर्ट की जो एजुकेशन है ना वो पार्क में देता है। और मुझे बुलाया, डॉक्टर साहब को भी बुलाया, और बड़े 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 आर्टिस्ट हैं। मैं चला गया वहाँ पार्क में, खताब फरमा दिया मैंने। एफर्ट करनी चाहिए ना, जितनी बसात मेरी है ना उसके मुताबिक तो करूं। Exactly. मैं क्यों, असल बात ये, मैं क्यों ऐसा रहूं कि मेरे पास यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, रोल मॉडल बना ले। मैंने यावर अय्याज साहब से सीखा है, मैंने नुसरत साहब से सीरियल किया है, मेरे क्रेडिट के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा काम है, तो मैंने जब किया तो मैं डिलीवर कर सकता हूँ, तो मैं इसका मोहताज क्यों रहूं कि मुझे, मेरे पास बिल्डिंग हो, मेरे पास वो, ठीक है, मेरी बसात जितनी है, मैंने वहां पे बुलाया, लोग आए वहां पे, फेसबुक पे लाइव लेक्चर दिए पूरे पाकिस्तान में। जी, अगर इसी तरीके से किसी को चैनल को गैरत आ जाती, वो आपको कवरेज देता, आपको अप्रिशिएट करता, आपको स्पॉन्सर करता, तो अभी आपके स्टेज के ऊपर है। एक 2 चैनल्स आए थे वहां पे, उन्होंने बकायदा कवरेज की, उन्होंने बताया, मैंने कहा देखिए मैं, मेरे पास फन है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन्होंने मुझे नहीं देना, मुझे कहेंगे तो फिर शायद मुझे मिल जाए, मुझे कोई खुद कहेगा तो मुझे दे देगा, मैं जितने भी धक्के खा लूंगा मुझे कोई भी नहीं देगा, क्योंकि मांगने जाए तो कोई नहीं देता। हम अपने प्रोग्राम में हम चाह ही रहे हैं कि हम सारी जो इसकी डिजाइनिंग इनी पैरामीटर्स पे डिजाइन, और ऑफ कोर्स जो रिसोर्स पर्सन, जो एक तो HEC की कदगन है, लेकिन उसका भी कि यूनिवर्सिटी में टीचिंग कौन करेगा, बट उसका भी वो है, लाइक यू कैन एंगेज जो एक्सपीरियंस के लोग हैं, उनका वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है, अदरवाइज तो वो MS और PhD ऑडियो की कहाँ से लेके आएंगे, PhD कहाँ से लेके आएंगे, ऑडियो हैं लोग यहाँ पे जनरली तो नहीं है, पर बहुत नहीं, लाइटिंग के लिए कहाँ से लेके आएंगे, राइटिंग के लिए कहाँ से। सो इसको मैंने बाहर भी चंद एक यूनिवर्सिटीज के साथ इंटरेक्शन रहा, उनका भी यही चैलेंज है, और वो जो जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उसको वो करके उनको वो एंगेज कर ले। नहीं तो हम लोग कहाँ से सीखते हैं, हम लोग भी ऐसे ही सीखते हैं। जी हाँ।
हम लोग ये तो नहीं है कि हम लोग नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट हमारी पीएचडी यही है कि हमने हमारे पास यावर याद साहब थे, हमने उनके साथ काम किया, उनसे सीखा। दूसरा ठाकुर साहब थे, उनसे काम, जो उस वक्त के लेजेंड्स थे जी, उसके बाद हमारा काम करते हैं, ये हमारी पीएचडी है। डॉक्टर साहब जो जो सॉरी ड्रामे के लिए जो जो आपका रिसर्च वर्क है, रिटन वर्क, हम काम किए जा रहे हैं। अब वो वॉल्यूम के वॉल्यूम जो मेरे पास पिछले दिनों एक लड़की का फोन आया, सर मैं करना चाह रही हूँ डॉक्टरेट और मैंने अपना आपका नाम दिया है तो उस पर आप पे काम करें। अच्छा वो थोड़ी देर गुफ्तगू करते नहीं, मगर मैंने कहा तो करो आप काम, मेरी तो सुख राज सर। वो पूरी पौने घंटे की गुफ्तगू में लगा ये कि वो चाह रहे कि मैं ही करके दे दूँ, यही होता। मैं कहा मुझे ऐसा कोई शौक नहीं अपने ऊपर, मैं मरने के बाद बड़े लोगों का रोजगार छोड़ के जाऊँगा वो काम करते। आज का जो मकसद था इस गैदरिंग का और इस सेशन का, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग और थॉट शेयरिंग सेशन था जो इस हवाले से रिफा यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस में सारे माशाल्लाह इंडस्ट्री वेटरन्स एंड प्रोफेशनल्स इकट्ठे हुए कि हम रिफा यूनिवर्सिटी में एक मीडिया प्रोडक्शन, टीवी प्रोडक्शन एंड डिजिटल मीडिया के हवाले से एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, एकेडमिक प्रोग्राम और स्टडीज़ प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं। और के जो अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं और जो ओपन अप हो गए हैं इन्यूमरेबल प्लेटफॉर्म्स और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं बच्चों के लिए और within country and outside also, उनके लिए कैसे अच्छे professionals तैयार किया जा सकते हैं production के हवाले से, हर area में directors भी, cameramans भी, post production, creative writers, script writers, planners, so उस हवाले से एक industry academia linkage के साथ कंप्लीट प्रोग्राम, उसका करिकुलम, स्कीम ऑफ स्टडीज़, होल डिज़ाइनिंग ऑफ फोर ईयर प्रोग्राम्स, टू ईयर्स प्रोग्राम और एक साल के फोकस्ड स्पेशलाइज्ड एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम्स जो उनसे हैं वो डिज़ाइन किए जाएं, उनको इवॉल्व किया जाए और ऑफर किया जाए यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जी। तो जितने लोग यहाँ पे आए थे जो आराम आपने दी वेरी यूजफुल, इंतहाई मुफीद और इंतहाई रेलिवेंट एंड वैल्यूएबल इनपुट्स आए। अब जिसने 50 साल एक फील्ड में एफर्ट की हो, मार खाई हो, लर्निंग की हो, वो जब कोई बात करेगा तो उसकी तो इंतहाई वैल्यू है और बहुत ही रेलेवेंट इनपुट्स आई हैं। और अब हम एक एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे इस डिपार्टमेंट के लिए, इसी तरह इंडस्ट्री के जो उनसे प्रोफेशनल्स हैं मुख्तलिफ एरियाज़ के, उन पे बेस करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने ये प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं और वहाँ पे कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो वहाँ पे भी सबसे पहले जैसे आपको पता है कि एनसीए था, एनसीए में सारे कोर्सेज होते थे, उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू किए हैं। तो वहाँ पे वही डिग्री टू डिग्री काम चल रहा है, क्योंकि जिस जो वहाँ पे पढ़ा रहा है, जो वहाँ पे सारा वीएन दे रहा है, उसका अपना कोई वीएन नहीं है, उसका अपना कोई स्कोप नहीं है, उसके उसके क्रेडिट पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है, तो वो वहाँ पे सिर्फ पढ़ा रहा है सिर्फ नाम की वजह से, डिग्री की वजह से। क्या आप भी उसी तरह चलेंगे, डिग्री जिसके पास है वही यहाँ पे आके काम करेगा, या कि आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिनके क्रेडिट पे प्रैक्टिकल काम है, क्या वो भी यहाँ पे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको क्या आप यहाँ पे बुलाएंगे, उनको यहाँ पे जॉब देंगे या लेक्चर्स उनके यहाँ पे होंगे कि जिनका जिनके क्रेडिट पे बहुत प्रैक्टिकल है, उन्होंने काम के धक्के का जिस तरह अभी कह रहे थे,
जिन्होंने 50 साल काम किया प्रैक्टिकल करके खाया, क्या उन्हें भी यहाँ मिला था या उन्हें यूनिवर्सिटी की तरह वहाँ पे भी सिर्फ नाम ही चलेंगे? बस नहीं, हमारा एक ऑलरेडी प्रोग्राम इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद के कैंपस से 2006 से स्टार्ट किया था, रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज, और वो डिपार्टमेंट स्टार्ट होने से पहले हमने जो बेसलाइन जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं या नीडेड एरियाज़ हैं टू वर्क ऑन, अब मीडिया साइंसेज में आपकी लैब क्या है, आपकी लैब स्टूडियोज़ है, आपकी लैब पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, कैमरा है आपका ऑपरेटर्स अच्छा, और सो हमने स्क्रीनिंग रूम और सारा कुछ, और हमने वो सारा कुछ डेवलप करके फिर प्रोग्राम ऑफर किया था, और उसको डिज़ाइन ऐसा किया था कि जो बच्चा आज डे वन है उसका सेमेस्टर के स्टार्ट का, और उसको कैमरा ऑन ऑफ करना नहीं आता, और उसके हाथ में कैमरा दे दिया था कि आइडिया सोचो और उस पर ब्रीफ एक वीडियो बनाओ टू असेस के उसको थोड़ा सा वो करने के लिए, सो बड़ा हैंड्स ऑन स्किल बेस्ड प्रोग्राम होगा विद थियरी फाउंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप रूल्स तभी ब्रेक कर सकते हैं जब आपको रूल्स आते हों, सो पहले तो रूल्स सिखाने ज़रूरी हैं और फिर उनको ये समझाना ज़रूरी है कि यू कैन ब्रेक द रूल्स। सो बिल्कुल जो इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोग हैं और जो काम कर रहे हैं और जो नोन हैं और जिनमें एबिलिटी है पढ़ाने की, कम्युनिकेट करने की, सिखाने की, इंस्पायर करने की, हमने सिखाने से ज़्यादा, सिखाने पे भी बहुत हमारा इंशाल्लाह फोकस होगा, उकसाना भी है हमने स्टूडेंट को कि हट के, रूटीन से हट के, अपनी बेस्ड ऑन योर ओन आइडियोलॉजी, अपनी ज़बानों में, अपने लोगों के लिए, अपने खित्ते के लिए, अपने मुल्क के लिए पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करें। नेगेटिव जो है बात करना ही एंटरटेनिंग और ख़बर नहीं है, पॉजिटिव बात भी तो हो रही है ना, और बहुत सारा अच्छा काम हो रहा है, हर वक्त हो रहा है, सो उनको हाईलाइट करें प्रोफेशनल तरीके से। सो इंशाल्लाह विल एंगेज ऑल द प्रोफेशनल्स नीडेड और जो भी अवेलेबल होंगे, उनका एक सेट क्राइटेरिया सर्टनली होगा, लेकिन हमने और बेस्ड ऑन यही होगी कि हमने डिग्री होल्डर्स को नहीं, जिनके पास जिनके क्रेडिट में बहुत सारा काम है उनको इंगेज करना है, वो डिग्री से बहुत ज़्यादा है जी, वो बहुत ज़्यादा, सो हमने उन्हीं को इंगेज करना है इंशाल्लाह अपनी फैकल्टी के लिए। तो कब से शुरू कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह पहला जो प्रोग्राम है वो हम फरवरी 2021 से स्टार्ट कर देंगे, और नेक्स्ट जो उनसा हमारा ऑफरिंग होगी वो सेप्टेम्बर 2021 से होगा इंशाल्लाह। सो फरवरी से इंशाल्लाह ये प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, मेरा नाम परवेज़ अख्तर है, मैं कैमरा एंड लाइटिंग से वाबस्ता हूँ। तो आज ये रिफा यूनिवर्सिटी ने जो सेशन रखा था, इसमें वो अपने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेना चाह रहे थे, उस सिलसिले में हाज़िर हुआ था। तो माशाल्लाह यहाँ पर जो भी डिस्कशन हुई वो बड़ी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव थी, और सभी लोगों ने बड़े मीनिंगफुल अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए, और मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है ना इस सिलसिले में इन सारे इनपुट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने करिकुलम डेवलप करेंगे, और उस करिकुलम की रोशनी में हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स यहाँ से तैयार होकर निकलेंगे वो खाली टेक्नीशियन नहीं होंगे, वो सोचने समझने वाले इंडिविजुअल्स होंगे जो ऐसी प्रोडक्शंस बनाने के काबिल हों कि जो माशरे में एक पॉजिटिव इम्पेक्ट क्रिएट कर सकें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ई-बॉक्स।